लद्दाख इस देश का बहुत अहम हिस्सा है। लद्दाख के लोग आशंकित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। उनका कहना है उनकी जान पर बनाई है। चीन के कब्जे को लेकर हर तरह का तथ्य, हर तरह के साक्ष्य सामने हैं कि कैसे चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बजाय उसका निवारण करने के नरेंद्र मोदी जी बगले झांक रहे हैं, क्योंकि लद्दाख पे जैसे जैसे कलई खुल रही है नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जितना आप मुद्दों से भटकाइएगा आपको वापस मुद्दों पर लाया जाएगा। तो अब एक अहम बात सुनिए, बात 2015 की है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उन्होंने बांग्लादेश को एक समस्या के बॉर्डर डिस्प्यूट के निवारण के लिए हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन दी। फिर से सुनिएगा, 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश को हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन देकर समस्या का निवारण किया। ठीक ऐसे ही 1974 में इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन मात्र श्रीलंका को देकर एक समस्या का निवारण किया था। 6 लाख तमिलियन वापस आना सुनिश्चित किया था और उसी के चलते हमारे मछुआरे आज भी वहां पर मछली पकड़ने जा सकते हैं। इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन दी थी, मोदी जी ने 10,000 एकड़ जमीन दी है और कोहराम मचा रखा है चरण चुंबकों ने उस जमीन पर। असल में तो दिक्कत की बात यह कि मोदी जी झूठ बोल देते हैं और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी टीम पर, उनके मंत्रियों पर, उनके चरण चुंबकों पर आ जाती है। तो आज विदेश मंत्री जयशंकर आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आधा सच पूरा झूठ बोला। मैं आपसे आपकी आंख में आंख डालकर एक बात पूछती हूं जयशंकर जी, 2015 में आप विदेश सचिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाईएस्ट टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट, आपने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि हिंदुस्तान की कोई भी जमीन ऐसे ही श्रीलंका को नहीं दी गई है, ये एक बायलैटरल अग्रीमेंट था जिसके चलते एक समझौता हुआ। आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी का 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देना ठीक है जिससे कि समस्या का निवारण हुआ, तो इंदिरा जी का 271 एकड़ देकर शांति बहाल करना, मछुआरों को एक्सेस दिलाना, तमिलियंस को वापस लाना कैसे गलत है? असल में दिक्कत की बात यह है कि जिस मीडिया को मोदी जी से सवाल पूछने चाहिए वो चरण वंदन में व्यस्त है। मीडिया पूछता ही नहीं है मोदी जी से कि किस हैसियत से चीन अरुणाचल की 30 जगहों का नाम बदल देता है। डोकलाम पे सारे प्लाटों पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। लद्दाख में चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये सारे सवाल मीडिया को पूछने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नहीं पूछ रहे तो आपको तथ्यों से अवगत कराने का और सवाल पूछने का काम हम किए दे रहे हैं। तो पहले बांग्लादेश को दी हुई 10,000 एकड़ की जमीन पर आप जरूर जवाब दीजिए मोदी जी, क्योंकि आपके जवाब से ही तय होगा कि आप झूठ क्यों बोलते हैं।